नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा स्क्वायर निकालना, उन संख्याओं का स्क्वायर निकालना जिनका लास्ट डिजिट 5 होता है, जिनका मतलब इकाई प्लस 5 होता है। चलिए तो देखते हैं। जैसे सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लेते हैं हम 15। अगर हमें 15 का स्क्वायर निकालना है, सबसे पहले जो 5 है हम इसका स्क्वायर लिख देंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, मतलब 25। और जो एक संख्या बची है इसमें प्लस 1 करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्लस वन टू मल्टीप्लाई 2 हो गया। अब इस 2 को यहां रख देंगे, ये हो गया 225, मतलब इसका 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225। चलिए दूसरी संख्या देखते हैं। जैसा मैंने अभी बताया इसी तरह इस 5 का स्क्वायर यहां रख देंगे 25, और जो संख्या उससे जो दूसरी संख्या है उसमें प्लस 1 करके इनटू कर देंगे। जैसे ये 2 है तो प्लस 1 3 इंटू करके 6 हो गया। अब इस 6 को यहां रख देंगे, तो यही हमारा स्क्वायर हो गया। इसी तरह चलो और भी एग्जांपल देखते हैं जिससे इजी हो जाए। चलिए तो दोस्तों आगे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, और दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम 65 का। जैसा मैंने अभी बताया उसी तरह 5 का स्क्वायर लिख देंगे यहां पर, और ये पहला डिजिट है इसमें प्लस 1 करके मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 42। 42 को यहां पुट कर देंगे तो ये इसका स्क्वायर निकल गया है। देखा दोस्तों कितनी अच्छी ट्रिक है, इस ट्रिक से आप मुंह जवानी भी सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं दूसरा एग्जांपल भी, दूसरा लेते हैं 95। इसमें भी 5 का स्क्वायर 25 और 9 प्लस 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 90। अब इसका 95 का स्क्वायर ये हो गया। अब चलो ये तो हो गई छोटी संख्या, अब एक बड़ी लेके भी देखते हैं। बड़ी संख्या लेते हैं 225 ले लेते हैं। उसी तरह इसमें भी 5 का स्क्वायर यहां रख देंगे 25, और जो ये 22 है इसमें प्लस 1 करके मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आएगा 506, और इस 506 को यहां पुट कर देंगे, तो ये इसका स्क्वायर निकल आया। देखा दोस्तों कितना आसान है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।